आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी का वीडियो लेक्चर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं बेल्ट ड्राइव के बारे में, जो कि एक एप्लीकेशन है फ्रिक्शन का, घर्षण का। आज हम लोग बात करेंगे क्रॉस बेल्ट ड्राइव के बारे में। क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले कुछ लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है। इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो भी बेल्ट हम यूज़ करते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव में, उस बेल्ट की लंबाई कितनी होती है ना। तो बेल्ट की लंबाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे आज के इस लेक्चर में, ठीक है। जैसे कि आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जो कि एक क्रॉस बेल्ट ड्राइव का है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, एक ड्राइविंग पुल्ली होता है, एक ड्रिवन पुल्ली होता है। ड्राइविंग पुल्ली से पावर को हम लोग ड्रिवन पुल्ली में ट्रांसमिट करते हैं। तो ट्रांसमिट करने के लिए एक बेल्ट का यूज़ करते हैं, और ये बेल्ट क्या होता है, इस तरीके से क्रॉस पैटर्न में हो, मतलब ड्राइविंग पुल्ली का टॉप है ना ड्रिवन पुल्ली के बॉटम से कनेक्ट हो, और ड्राइविंग पुल्ली का बॉटम ड्रिवन पुल्ली के टॉप से कनेक्ट हो बेल्ट के थ्रू। तो इस तरीके का अरेंजमेंट क्रॉस्ड बेल्ट अरेंजमेंट कहलाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ड्राइविंग पुल्ली का जो डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन हो, चाहे क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, उसके अपोजिट हम लोग रोटेशन चाहते हैं ड्रिवन पुल्ली में। तो इस तरीके से हमें रिक्वायरमेंट होता है तो हम क्रॉस बेल्ट का यूज़ करते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में पुल्ली ड्राइविंग पुल्ली रोटेट कर रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिवन पुल्ली रोटेट कर, ऐसा हम चाहते हैं तो उसके लिए क्रॉस बेल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है EF, और एक वर्टिकल एक्सिस भी हमने ड्रॉ किया है दोनों पुल्ली के लिए, ठीक है। ये O1 पुल्ली 1 का सेंटर पॉइंट है, O2 ड्रिवन पुल्ली का सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे ड्राइविंग पुल्ली छोटा पुल्ली है, ड्रिवन पुल्ली बड़ा पुल्ली है। आप इसको ड्राइविंग को बड़ा पुल्ली ले सकते हैं, ड्रिवन को छोटा पुल्ली भी ले सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल लगता है। हमने ड्राइविंग को छोटा पुल्ली लिया है, ड्रिवन को बड़ा पुल्ली लिया हुआ है। दोनों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर डिस्टेंस, जो कि हमें पता रहता है कि शाफ्ट जो वहाँ पे लगा हुआ है, उस शाफ्ट के बीच का कितना डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस में हमें पावर को ट्रांसमिट करना है, तो ये डिस्टेंस डी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छोटा पुल्ली या ड्राइविंग पुल्ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो ड्रिवन पुल्ली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ये क्रॉस बेल्ट के कारण ही ऐसा होता है ना। ओपन बेल्ट में दोनों ही पुल्ली सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, लेकिन इस केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ठीक है। आप देखते हैं कि बेल्ट जो है इसकी कितनी लंबाई है, यहाँ पे जो क्रॉस बेल्ट हमने यूज़ किया हुआ इसकी लंबाई क्या होगी, इसको हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ड्राइविंग पुल्ली में बेल्ट यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, और नीचे भी कॉन्टेक्ट है, अपर और बॉटम पोर्शन में ये कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो ये एक टेंजेंशियली कॉन्टेक्ट बनाएगा ये बेल्ट, तो उस पॉइंट से हमने सेंटर O1 को ज्वाइन किया है, तो ये टेंजेंशियली जहाँ पे कॉन्टेक्ट बना रहा है इस पुल्ली को, या कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है, वहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है। तो ये O1 से ये लाइन A और नीचे C, तो O1C और O1A ये दो लाइन है। ए पॉइंट है जहाँ से बेल्ट ऊपर को टच कर रही है, और सी पॉइंट है जहाँ पुल्ली को नीचे टच कर रही है। तो ए से सी तक ये पुल्ली या बेल्ट जो है पुल्ली वन को कांटेक्ट कर रही है, इतने लेंथ में ये संपर्क में है ड्राइविंग पुल्ली के, ठीक है। तो यहाँ पे O1A और O1C जो लाइन है वो बेल्ट पे क्या है, परपेंडिकुलर लाइन होगा, क्योंकि ये बेल्ट यहाँ पे टेंजेंशियली इसको कांटेक्ट कर रही है। वैसे ही ये पॉइंट हम लोग लेते हैं वर्टिकल एक्सिस पे अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड पोर्शन पे A डैश, ठीक है। ऐसे ही बड़े पुल्ली की बात करें तो O1 से ऊपर की तरफ हमने एक लाइन ड्रॉ किया जहाँ पे बेल्ट बड़े पुल्ली को ऊपर कांटेक्ट कर रही है,
टेंजेंशियली। तो बी पे टेंजेंशियली ये कांटेक्ट बनाएगा बेल्ट जो है, और नीचे डी पे एक टेंजेंशियली कांटेक्ट बना रहा है। तो ओ टू से बी हमने ज्वाइन किया, तो ये ओ टू बी जो है बेल्ट पे परपेंडिकुलर होगा, वैसे ही ओ टू डी नीचे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये बेल्ट जो है जस्ट टेंजेंशियली उसको कांटेक्ट कर रही है जहाँ से ये कांटेक्ट बनाना स्टार्ट कर रही है। तो बी से डी जो है ये बेल्ट जो है लार्जर पुल्ली को या इस रिवर पुल्ली को कांटेक्ट बनाएगा। क्लियर है? इस तरीके से ये पुल्ली इसमें रैप्ड है। अब बात करते हैं, ये पॉइंट हमने ले लिया बी डेज, तो यहाँ पे ए से सी देखेंगे, ए से सी छोटे पुल्ली को ये कांटेक्ट बना रही है। तो ए से सी वाला जो आर्क है सेंटर ओ वन पे जो एंगल फॉर्म करेगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो बी वन ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है छोटे पुल्ली के लिए, या इसको एंगल ऑफ लैप भी कहते हैं। वैसे ही बी से डी इस लंबाई तक ये बेल्ट कांटेक्ट पे है इस पुल्ली के साथ, तो इतना आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगी ओ टू पे, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर लार्जर पुल्ली या ड्रिवन पुल्ली। ठीक है, तो जो कि हमने ले लिया बी टू, ये बी से डी के बीच का एंगल, तो ये बी टू है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आर वन क्या है, रेडियस ऑफ पुल्ली वन है, छोटे पुल्ली का रेडियस आर वन ले लिया हमने, डायमीटर डी वन है ना। बड़े पुल्ली पुल्ली टू का हमने रेडियस आर टू ले लिया है, तो यहाँ पे आर टू का जो वैल्यू है आर वन से बड़ा है या आर वन आर टू से छोटा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हमने छोटे से बड़े पुल्ली पे ट्रांसमिट किया हुआ है पावर को। अब यहाँ पे डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स ओ वन एंड ए टू, दोनों पुल्ली के बीच का सेंटर का डिस्टेंस डी वन है। ए लेंथ ऑफ द बेल्ट है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है कि ये लेंथ कितना होगा है ना, यहाँ पे इस क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए ये हमें फाइंड आउट करनी है कैपिटल एल की वैल्यू। बी वन एंगल ऑफ कांटेक्ट है छोटे पुल्ली या ड्राइविंग पुल्ली के लिए, बी टू एंगल ऑफ कांटेक्ट है बड़े पुल्ली या ड्रिवन पुल्ली के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जियोमेट्री को आप देखिए, तो एंगल ओ वन ए डी, यहाँ पे आप ध्यान देंगे ओ वन ए डी, ये ओ वन ए क्या है बेल्ट पे परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये ए पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ओ टू बी सी, ये ओ टू बी बेल्ट पे परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये बी एंगल जो है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन होगा, हाँ सॉरी परपेंडिकुलर एंगल होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है और ये राइट ट्राइंगल या 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है बी से सी, ये बी से सी इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ओ वन जी, ये बी सी इस लाइन ये बेल्ट है, इसके पैरेलल हमने ओ वन से एक जी लाइन ड्रॉ किया, ये इसी लाइन पे जी हमें मिलेगा। तो ओ वन जी और ये बी सी दोनों की लंबाई क्या है बराबर है, लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये ओ वन जो लाइन है हॉरिजॉन्टल ओ वन ओ टू से एक एंगल फॉर्म करेगा, ये वाला एंगल, और ये परपेंडिकुलर एंगल है जी पे परपेंडिकुलर एंगल है, ये एंगल हमें पता होगा। तो ये एंगल मान लो हम लोग लेते हैं थीटा, यहाँ पे एंगल कितना है थीटा है, तो एंगल थीटा है जिसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ओ वन पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस ट्राइंगल पे ये भी थीटा होगा, ये इस ओ वन पे नीचे जो एंगल यहाँ पे छोटा सा एंगल ये भी थीटा के बराबर होगा। साथ ही साथ बी बी डेस ओ वन पे ओ टू पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये वाला एंगल ये भी थीटा, और नीचे ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो फाइनली यहाँ से एंगल जी ओ वन ओ टू, इस राइट ट्राइंगल की बात करें ओ जी ओ वन ओ टू, ये ओ वन पे थीटा एंगल है। तो साथ ही साथ यहाँ पे एंगल ए डेस छोटे पुल्ली पे देखिए ए डेस ओ वन ए, ये भी थीटा डिग्री होगा, और बड़े पुल्ली पे एंगल बी ओ टू बी डेस, ये एंगल भी थीटा डिग्री के बराबर होगा, ये ज्योमेट्री से हमें मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमें बताया था कि बी सी, ये बी सी बेल्ट की जो लंबाई है बी से सी, ये ओ वन जी के बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल हमने इसके ड्रॉ किया हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता है इस डायग्राम से। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ ऑफ बेल्ट है ना, बेल्ट की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये बेल्ट की लंबाई हम कैसे फाइंड आउट करें, देखिए ये सिमेट्रिक है
इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस ई एफ के अबाउट, तो ऊपर के बेल्ट की लंबाई को हम फाइंड आउट करके उसको दोगुना निकाल दें तो हमें पूरी लंबाई पता चल जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ पोर्शन या हाफ पोर्शन का लंबाई निकालते हैं, उसको टू टाइम्स कर देंगे, दोगुना कर देंगे तो पूरी बेल्ट की लंबाई मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ई से ए, ये ए से सी पूरा कॉन्टेक्ट है, ए से सी इधर, बी से डी ये पूरा लंबाई है, इसको ए सी प्लस बी डी, साथ ही साथ बी से सी और ए से डी, ये इतना लंबाई को हम जोड़ेंगे तो बेल्ट का लंबाई मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ई ए और ई सी ये बराबर है, तो हम ई ए की लंबाई निकाल लेते हैं यहाँ से। वैसे ही बी एफ और एफ डी ये लंबाई बराबर है, तो एफ डी की लंबाई हम निकाल लेंगे और उसको दोगुना कर देंगे। और बी सी और ये ए डी ये दोनों लंबाई बराबर है, तो उसमें से कोई एक लंबाई निकाल लेते हैं, मान लो बी सी निकाल लें, है ना, तो उसको दोगुना कर देंगे। तो इस तरीके से ई ए का दोगुना, बी डी का दोगुना, बी एफ का दोगुना और बी सी का दोगुना, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें टोटल लंबाई मिल जाएगा। तो फाइनली लेंथ ऑफ बेल्ट हमें मिलेगा दो, टू टाइम्स ऑफ आर्क ई ए प्लस बी सी प्लस आर्क बी एफ। क्लियर है ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अब हमें मेन काम करना है, यहाँ पे आर्क ई ए बी सी और आर्क बी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर्क ई ए को देखिए, ये आर्क ई ए है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। तो यहाँ से आर्क ई ए मिल जाएगा, आर्क ई ए कितना एंगल फॉर्म कर रहा है देखिए, सेंटर पे ये आर वन रेडियस है, यहाँ पे सेंटर ओ वन पे कितना एंगल फॉर्म करेगा, पाई बाय टू, ये 90 डिग्री प्लस थीटा, है ना, ई ए आर्क की बात कर रहे हैं, ई ए आर्क 90 प्लस थीटा, तो पाई बाय टू प्लस थीटा इंटू आर वन रेडियस, आर वन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आर्क मिलेगा। तो चाप बराबर कोण गुणित त्रिज्या, ऐसा करने से हमें ये आर्क मिल जाएगा या चाप की लंबाई मिल जाएगी। क्लियर है, पाई बाई टू प्लस थीटा इंटू आर वन। वैसे ही आर्क बी एफ, ये आर्क बी एफ की लंबाई निकालनी है, तो ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है और ये रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एंगल पाई बाई टू प्लस 90 प्लस थीटा इंटू आर टू, है ना, 90 को हम रेडियन में पाई बाई टू लिखते हैं, तो पाई बाई टू प्लस थीटा इंटू आर टू ये हो जाएगा बी एफ आर्क की लंबाई। अब हमें बी सी या ए डी इस बेल्ट की लंबाई निकालना है, तो बी सी की लंबाई निकाल लेते हैं। बी सी बराबर क्या है, जी ओ वन है, ये ट्राइंगल आप देखिए, ओ वन जी और ओ टू, ये राइट ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये राइट ट्राइंगल है, और ये जी से ओ टू का जो लेंथ है ये क्या होगा, जी से ओ टू का लेंथ हमें पता है, ये बी से जी ये आर वन के बराबर होगा, और बी से ओ टू ये आर टू के बराबर है, तो ये बी सॉरी ओ टू जी ये पूरा आर वन प्लस आर टू होगा, और ये ओ वन ओ टू हमें पता है डी है, तो ये एंगल है। तो इस ट्राइंगल पे हमें हाइपोटेनियस फॉर्मूला अप्लाई करके ये बी सी या ओ वन जी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू जी ओ वन क्या हो जाएगा, इस राइट ट्राइंगल से ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर ओ वन ओ टू स्क्वायर माइनस जी ओ टू स्क्वायर, जी ओ टू का वैल्यू है आर टू प्लस आर वन और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हाइपोटेनियस है ना, पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा जी ओ वन का वैल्यू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर टू प्लस आर वन का स्क्वायर। अब ये तीनों वैल्यू हमें मिला, ठीक है, इसको हम चाहे बी सी की वैल्यू को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए डी को हमने कॉमन निकाल लिया, तो डी अंडर रूट वन माइनस आर टू प्लस आर वन अपॉन डी का स्क्वायर ये मिल जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट को हम हटा देंगे पावर के फॉर्म में, तो पावर वन ऑफ वन बाई टू हो जाएगा, तो डी इन ब्रैकेट वन माइनस आर टू प्लस आर वन अपॉन डी का स्क्वायर और पूरा का स्क्वायर वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से यूज़ करके और सिंप्लीफाई करेंगे तो बी सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा, ये पावर जो है सामने आ जाएगा ना, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे तो डी इन ब्रैकेट वन माइनस वन बाई टू आर टू प्लस आर वन अपॉन डी का स्क्वायर ये हमें मिलेगा। क्लियर है,
इस तरीके से हमने ये इसको और सिंप्लीफाई कर लिया है, बी सी इज इक्वल टू डी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, डी माइनस वन बाई टू आर टू प्लस आर वन के स्क्वायर अपॉन डी, ये हमें मिलेगा बी सी का वैल्यू। बी सी ई ए और बी एफ इन तीनों का वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, ये बेल्ट की लंबाई वाले इक्वेशन में। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए लेंथ ऑफ बेल्ट हमें मिल जाएगा एल इज इक्वल टू टू आर्क ई ए की वैल्यू पाई बाई टू प्लस थीटा आर वन है, प्लस बी सी की वैल्यू हमें मिला है डी माइनस वन बाई टू आर टू प्लस आर वन अपॉन डी, और ये आर टू प्लस आर वन का ये स्क्वायर है अपॉन डी, क्लियर है। प्लस आर्क बी एफ की वैल्यू पाई बाई टू प्लस थीटा इंटू आर टू, ये मिल जाएगा। इसको हम ब्रैकेट इसको ओपन कर लेंगे, अंदर में जो ब्रैकेट है तो ये मल्टीप्लाई करोगे टू से अंदर, तो ये हमें मिल जाएगा पाई आर वन प्लस टू थीटा आर वन प्लस टू डी माइनस आर टू प्लस आर वन के स्क्वायर अपॉन डी प्लस म्यू, सॉरी ये म्यू नहीं है यहाँ पे, ये पाई का वैल्यू है, बाई मिस्टेक ये म्यू लिखा हुआ है, ये पाई आप कर लेंगे इसको, पाई आर वन प्लस टू थीटा आर वन प्लस टू डी माइनस आर टू प्लस आर वन के स्क्वायर अपॉन डी प्लस पाई आर टू प्लस टू थीटा आर टू, ये आर टू है, आर ट्वेंटी वन नहीं है, आर टू, क्लियर है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, पाई आप कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा पाई आर टू प्लस आर वन प्लस टू थीटा आर टू प्लस आर वन प्लस टू डी माइनस आर टू प्लस आर वन का स्क्वायर अपॉन डी, क्लियर है। ये मिलेगा हमें टू थीटा और पाई कॉमन निकालने से। अब यहाँ पे ट्राइंगल ओ टू जी ओ टू का यूज़ करके हम थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये थीटा का वैल्यू हम रखेंगे तो ये थीटा का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस ट्राइंगल से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ टू जी अपान ओ वन ओ टू, ओ टू जी का वैल्यू आर टू प्लस आर वन है और ओ वन ओ टू का वैल्यू डी है, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू आर टू प्लस आर वन अपान डी मिलेगा। क्योंकि ये थीटा का वैल्यू बहुत कम है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, फाइनली थीटा का वैल्यू हो जाएगा आर टू प्लस आर वन अपान डी। इस थीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम रखेंगे यहाँ पे टू थीटा, जहाँ पे यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे तो फाइनली हमें एल का वैल्यू क्या मिलेगा, पाई यहाँ पे म्यू के जगह पाई लिखेंगे, बाय मिस्टेक ये म्यू लिखाया हुआ है, पाई आर टू प्लस आर वन प्लस टू आर टू प्लस आर वन अपान डी, ये हमने रख दिया पाई थीटा की वैल्यू, और पहले से ये आर टू प्लस आर वन है प्लस टू डी माइनस आर टू प्लस आर वन का स्क्वायर अपान डी ये मिलेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली लेंथ ऑफ बेल्ट एल की वैल्यू मिल जाएगा पाई आर टू प्लस आर वन प्लस टू डी प्लस आर टू प्लस आर वन का स्क्वायर अपान डी। ये वैल्यू क्या है, लेंथ है बेल्ट की जो इस क्रॉस बेल्ट ड्राइव में हमने यूज़ किया हुआ, या इस क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए जो बेल्ट की लंबाई ज़रूरत है उसका वैल्यू। यहाँ पे म्यू नहीं है, ये पाई है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, बाई मिस्टेक हम मैंने यहाँ पे म्यू लिखाया हुआ है, इसको आप पाई कर लेंगे, पाई आर वन आर टू प्लस आर वन प्लस टू डी प्लस आर टू प्लस आर वन का स्क्वायर अपॉन डी। अब यहाँ पे आर टू का जो वैल्यू है ये बड़े पुल्ली का रेडियस है और आर वन छोटे पुल्ली का रेडियस है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। जैसे कि ओपन बेल्ट ड्राइव हमने सॉल्व किया था वैसे ही क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए लेंथ हमें मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। ओपन बेल्ट ड्राइव में यहाँ पे ये माइनस आर टू माइनस आर वन था, यहाँ पे ये वैल्यू प्लस में है, क्लियर है, बाकी इक्वेशन सिमिलर है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट या एंगल ऑफ लैप के बारे में। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे छोटे पुल्ली के लिए बी वन का वैल्यू क्या है, देखिए थीटा है, नीचे थीटा है और ये 180 डिग्री, तो 180 डिग्री प्लस टू थीटा, वैसे यहाँ पे ये थीटा टू थीटा हो गया और ये वर्टिकल एक्सिस है तो यहाँ पे ये 180 डिग्री, तो 180 प्लस टू थीटा बी टू की वैल्यू। तो दोनों ही पुल्ली, स्मॉलर पुल्ली और लार्जर पुल्ली बी वन और बी टू का वैल्यू 180 प्लस टू थीटा आएगा। तो क्रॉस बेल्ट केस, क्रॉस बेल्ट ड्राइव के केस में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है दोनों ही पुल्ली के लिए इक्वल होता है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू आर टू प्लस आर वन अपॉन डी इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है।
आई होप कि आज के प्रॉब्लम आज के लेक्चर में जो हमने डेरिवेशन किया है बेल्ट की लंबाई के लिए जो कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए था, ये आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।